अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शाहिब कैसरानी और आप देख रहे हैं टेक्निकल शाहिब यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को फेक व्हाट्सअप बनाना सिखाऊंगा कि यूएसए के नंबर पर फेक व्हाट्सअप किस तरह से बना सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों ने शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखनी है, उसके बाद ही आप लोग ईजीली ये फेक व्हाट्सअप बना सकेंगे। कोई भी पार्ट, कोई भी यहाँ से वीडियो थोड़ी सी भी आप लोगों ने स्किप नहीं करनी। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी वीडियो स्किप की तो आप लोगों का जो सेटिंग्स है, जो मैं अहम कुछ मालूमात दूंगा, वो आप लोगों से मिस हो जाएंगी, जिसकी वजह से आप लोग फेक व्हाट्सअप नहीं बना पाएंगे। ये फेक व्हाट्सअप आप लोग जो है किसी को प्रैंक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी फ्रेंड वगैरह के साथ भी प्रैंक कर सकते हैं कि ये देखिए जी मैं यूएसए वगैरह फलां कंट्री में पहुँच चुका हूँ या ऐसा वैसा कुछ भी। तो इजीली ये आप लोग फेक व्हाट्सअप बना सकेंगे। ये ट्रिक अक्सर लोग जो है ये सेल कर रहे हैं आप लोगों को पैसे, आप लोग उसे पैसे लेते हैं फिर ही आप लोगों को ट्रिक देते हैं, लेकिन मैं आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बिल्कुल ए टू जेड फ्री में सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। इसलिए यार आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल के आइकन को भी लाजमी प्रेस करें, ताकि मैं इस तरह की कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को ये टेक्स्ट फ्री एप्लीकेशन जो है इसका लिंक मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोगों ने डाउनलोड करके इसे इंस्टॉल कर लेनी है। और सेकंड नंबर पर ये सुपर वीपीएन है, ये भी आप लोगों ने प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक भी मैं आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना ये है, आप लोग कोई भी दूसरा सेकेंड व्हाट्सअप या कोई भी व्हाट्सअप आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए मैं जो है आज व्हाट्सअप बिजनेस इस्तेमाल करने वाला हूं, लेकिन आप लोग कोई भी व्हाट्सअप इस्तेमाल कर सकते हैं, एफएम व्हाट्सअप, जीबी व्हाट्सअप, किसी किस्म का कोई भी व्हाट्सअप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना ये है कि ये सुपर वीपीएन जो है इसे सबसे पहले ओपन कर लेना है। तो दोस्तों जिस तरह से मैं करता जा रहा हूँ आप लोगों ने सेम बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो ये हमारा वीपीएन जो है ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर आप लोग ने ये जो मैं जिसे मार्क कर रहा हूँ, ये जो कंट्री वगैरह है, इसको आप लोग ने ये न्यूयॉर्क यूएसए वाला सेलेक्ट कर लेना है और दोबारा ये कनेक्टिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी ये कनेक्ट हो चुका है और हमारे सामने ऐड शो हो चुका है, तो इसे दरमियान में मिनिमाइज़ कर लेना है। मिनिमाइज़ करने के बाद आप लोगों ने जो है ये टेक्स्ट फ्री एप्लीकेशन इसे ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं मैंने पहले जो है एक व्हाट्सअप नया है, तो मैं यहाँ से इसका पहले डेटा क्लियर कर देता हूँ। आप लोग अनलिमिटेड जो है व्हाट्सअप भी बना सकते हैं इस तरह, जैसे अभी मैं डेटा क्लियर करने जा रहा हूँ, एक व्हाट्सअप बनाएं उसके बाद आप लोग डेटा क्लियर कर दें और दूसरा बनाएं उसके बाद दोबारा जो है डेटा क्लियर कर दें। तो मैं यहाँ पर ऐप मैनेजमेंट में जाता हूँ, ऐप लिस्ट में जाता हूँ और इसका जो है मैंने पहले इस पर व्हाट्सअप बनाया था तो वही नंबर अभी मौजूद है, तो मैं इसका अभी डेटा जो है वो क्लियर कर देता हूँ। तो ये रही हमारे पास टेक्स्ट फ्री एप्लीकेशन। तो मैं यहाँ से इसे क्लिक किया और स्टोरेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लियर डेटा कर लेना है। तो ये हमारा डेटा क्लियर हो चुका है, अभी हम दोबारा जो है टेक्स्ट फ्री वाली एप्लीकेशन को ऑन कर लेते हैं। तो यहाँ ऑन करने के बाद यहाँ पर आप लोग साइन अप कर दें और यहाँ से ओके कर दें और इसे अलाउ कर दें, ओनली और ये जो है ऊपर वाला वो सेलेक्ट कर लेना है। और यह करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर कंट्री कोड, एरिया कोड जो है वो इंटर करना होता है। तो यहाँ पर आप लोग जो है कोई भी एरिया कोड इंटर कर सकते हैं, जैसे कि मैं 614 इंटर कर देता हूँ और यहाँ पर कंटिन्यू। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे नंबर आ चुके हैं, आप लोग भी यहाँ पर कोई भी कंट्री कोड यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर वाला नंबर जो है मैं ये वाला ट्राई कर लेता हूँ कि ये अवेलेबल है कि नहीं, कहीं ये बैन तो नहीं है। तो इसको आप लोग ने यहाँ पर कोई भी नंबर, आप लोग कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो मैं ये पहले वाला नंबर ले रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर इसे दरमियान में मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर व्हाट्सअप बिज़नेस पर आ जाता हूँ और यहाँ पर एग्री कर देता हूँ यूज़ आर डिफरेंट नंबर। और यहाँ पर मैं अपना, यहाँ पर जो कंट्री है यहाँ पर आप लोग ने यूनाइटेड स्टेट जो है ये सिलेक्ट कर लेना है। तो अभी हमने वो नंबर कोई भी देख लेना है, तो मैं यहाँ पर फर्स्ट जो नंबर है वो लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर 6 1 4 2 4 5 6 1 4 2 4 5 6 1 4 2 4 5 सॉरी हाँ ठीक है 2 4 5 5 6 8 7 5 6 8 7। ये नंबर आप लोगों ने उन लिस्ट में से चेक करना है कि नंबर अवेलेबल है, वैलिड है कि नहीं है। तो यहाँ से मैं नेक्स्ट करता हूँ,
तो यहाँ पर ये कनेक्टिंग हो रही है। अगर इस तरह ओके आ जाता है तो मतलब कि ये नंबर वैलिड है। अगर बैन वगैरह आ जाता है तो एडिट पर क्लिक करके आप लोग दूसरा इन लिस्ट में से कोई और नंबर भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये नंबर अभी वैलिड है तो मैं यहाँ से इस तरह से कर लेता हूँ, ये अभी ओके नहीं करना। और यहाँ पर आने के बाद आप लोग ने ये फर्स्ट वाला नंबर जो है ये सिलेक्ट कर लेना और इसे कन्फर्म कर देना है। और यहाँ पर आप लोग ने न्यू अकाउंट बनाना है तो यहाँ पर आप लोग कोई भी ईमेल इंटर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से रैंडमली कोई भी ईमेल इंटर कर दें, इसका कोई जो है मसला नहीं है कि आप लोग अपना ओरिजिनल यूज़ करें या कुछ भी, इस पर आप लोगों को कोई कोड वगैरह रिसीव नहीं होगा। तो यहाँ पर रैंडमली मैं कोई भी पासवर्ड सेलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मेल और यहाँ पर साइन अप पर क्लिक कर देता हूँ। तो ये रजिस्टरिंग हमारी हो रही है, अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगी। दोस्तों VPN जो है ये USA का सिंगापुर, ये लाजमी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है, अगर विदाउट VPN आप लोगों को कोड रिसीव नहीं होगा। ये सारा काम तो हो जाएगा लेकिन कोड रिसीव नहीं होगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर अभी एंड तक आप लोगों ने लाजमी देखना है। ये सारा कुछ मैं आप लोगों के सामने लाइव करके दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ से ये ओके कर दें, ये नंबर वगैरह भी आप लोग देख लें कि मैंने कौन सा वहाँ चूज़ किया था सारा कुछ। और अलाओ और यहाँ पर मे बी लेटर पर क्लिक कर दें और इससे जो यहाँ पर जो है कुछ भी आप लोग सेलेक्ट कर लें, टिकटॉक यूट्यूब ये वो कुछ भी आप लोग सेलेक्ट कर लें और यहाँ पर नेक्स्ट कर लें। और व्हाट इज़ योर एज जो है आप लोग एज भी कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को ऊपर जो है ये सेटिंग वाला जो ऑप्शन है इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है, सेटिंग वाले आइकन पर। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑटो रिप्लाई टू कॉल्स जो वाला जो ऑप्शन है इसे ओपन कर लेना है। तो इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर ऑटो रिप्लाई टू कॉल्स इसे इनेबल कर लेना है इस तरह से। अब ये हमारी सेटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अभी हम व्हाट्सएप बिजनेस पर आ जाते हैं तो ये देख सकते हैं वही नंबर अभी तक हमारा मौजूद है। तो मैं यहाँ से अभी अब ओके कर लेना है। तो मैंने जो है यहाँ से इसे ओके कर लिया है। तो यहाँ पर ये मुझे कुछ इस तरह से दिखा रहा है तो मैं दोबारा कॉल मी पर क्लिक करूँगा। बाज़ अवकात जो है आप लोगों का एक मिनट लिया जाता है, एक मिनट के बाद आप लोगों ने एक मिनट इंतज़ार करना है और उसके बाद आप लोगों ने कॉल मी पर क्लिक करेंगे तो दोबारा आप लोगों को कोड जो है कॉल रिसीव हो जाएगी उस एप्लीकेशन पर। तो अभी मैं यहाँ पर कॉल मी पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैंने ये देखे और उस एप्लीकेशन पर अभी आप लोगों ने आ जाना है। अभी आप लोग जो है जैसे ही कॉल अटेंड करेंगे तो वो आप लोगों को इंग्लिश में जो है 6152 इस तरह का कोड आप लोगों को इंग्लिश में बताएगी, वो आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक लेना है। तो अभी आप लोगों ने दोस्तों देखा है कि हमें कॉल आई है और यहाँ पर हमें कोड रिसीव हो चुका है और यहाँ से मैंने उसी व्हाट्सएप बनाया और 889 पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ पर जो है मैं कोई भी यहाँ पर बिज़नेस नेम कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर कैटेगरी जो है नॉट अ बिज़नेस ये आप लोग सिलेक्ट कर लें और नेक्स्ट पर क्लिक कर लें। ये लाजमी नहीं है कि आप लोग व्हाट्सअप बिज़नेस ही यूज़ करें, आप लोग कोई भी व्हाट्सअप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को यह कोड बताया जाता है तो वो आप लोग ने साथ साथ इंटर करते जाना है। जैसे मैंने अभी इंटर किया है तो यहाँ पर 889 पर मैं क्लिक कर देता हूँ और ये हमारा जो है व्हाट्सअप बन चुका है। अभी आप लोग ने सेटिंग पर क्लिक करना है, इसकी जो परमिशंस हैं उन्हें अलाउ कर लेना है। तो यहाँ पर जो परमिशंस होती हैं वो है सबसे पहले जो है कॉन्टैक्ट, उसके बाद माइक्रोफोन और स्टोरेज। तो ये सेटिंग आप लोगों ने ओपन कर लेनी है। तो ये देखिए अभी व्हाट्सअप बन चुका है। तो ये व्हाट्सअप अभी मैं आप लोगों को चेक भी करा देता हूँ। या मैं ऊपर जो है थ्री लाइन्स पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर सेटिंग्स पर और यहाँ पर ये भाई वाले ऑप्शन पर और मैं यहाँ पर नीचे चलाता हूँ। तो ये नीचे सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं जो नंबर वहाँ पर था, अभी ये यही नंबर मेरे पास जो है एक्टिव हो चुका है, इस पर हमारा व्हाट्सअप जो है बन चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।